नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमरल्ड मार्शल आर्ट्स। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग फ्रंट स्विप किक के ऊपर बात करेंगे और इससे पहले बैक स्विप किक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। स्विप किक जो है वो रोड बाइक के लिए बहुत कामयाब है। वैसे भी बहुत सारे जो मार्शल आर्ट स्टाइल्स है उनके कॉम्पिटिशन में ये किक अलाउड नहीं है, बिकॉज वो बेल्ट से नीचे किक्स नहीं कर सकते। कराते में शायद अभी भी इस किक को यूज किया जाता है, बट रोड बाइक में जब भी आपको अपोनेंट कोई भी मूव ले रहा हो उस टाइम आप स्विप किक मार सकते हैं, फ्रंट स्विप या बैक स्विप सामने वाले को गिराने के लिए। तो स्विप किक को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये किक ऑलमोस्ट राउंड हाउस किक की तरह ही है। राउंड हाउस हम लोग ऊपर मारते हैं, हाई पे भी मार सकते हो, लेकिन स्विप किक को नीचे ग्राउंड में एंकल लेवल पे हिट किया जाता है ताकि आपका ओपोनेंट गिर जाए। तो जिस तरीके से राउंड हाउस किक मारते हैं बॉडी को टर्न करते हुए, सेम वही टेक्निक है। वैसे राउंड हाउस हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, एक किक मार के आप पुल बैक करते हैं और दूसरा जो होता है वो फुल रोटेशन के साथ हम लोग राउंड हाउस किक करते हैं। लाइक ये दिस किक मार के पूरा हिप रोटेशन के साथ आप घूमते हैं। सेम स्विप किक को इसी टेक्निक के साथ हमें मारना है नीचे फ्लोर में। चलिए जानते हैं अब फ्रंट स्विप किक के ब्रेकेज के बारे में। सो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लंजेस पोजीशन पे आएंगे। सो जिस लेग से भी आपने किक करना है उस पैर को आप पीछे रखेंगे और जो आपका आगे वाला लेग होगा जिसमें आप वेट डालेंगे उसको टो पे रखना है, हील उठा करके इस तरीके से, और आपने दोनों हाथों को इस तरफ साइड में रखें जिस डायरेक्शन पे आप किक करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका किकिंग लेग है उसको हील उठाते हुए टो पे यहां से ऐसे घुमाना है इस तरीके से। एक बार फिर से देखेंगे, हम यहां से शुरू करेंगे। आपका ये स्टांस है, ये गए नीचे लंजेस पोजीशन में, दोनों हैंड्स को साइड में रखा और यहां से आपने किक को ऐसे घुमाना है। ध्यान रखें जब आप किक को रोटेट करेंगे आपको ज्यादा ऊपर हवा में नहीं रखना, बिकॉज स्विप किक अपोनेंट को गिराने के लिए होता है। तो अपोनेंट के आप एंकल लेवल पे टारगेट करेंगे, सो अगर आप ज्यादा ऊपर उठाएंगे तो नहीं गिरेगा। सो नीचे रखना है और नीचे ही आप इसको जितने स्पीड के साथ रोटेशन दे पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक बार फिर से देखेंगे, यहां से आप नीचे गए लंजेस पोजीशन पे, हाथ साइड पे रखा और यहां से पैर को घुमा के आपको खड़े होना है। तो चलिए अब टारगेट पे प्रैक्टिस करते हैं। सो ये स्टांस है, यहां से आप जाएंगे लंजेस पोजीशन पे दोनों हैंड साइड पे और यहां से आप किक को घुमाते हुए हिट करेंगे। एक बार फिर से, ये हमारा स्टांस है, यहां से नीचे गए हैंड किक। आशा करता हूं आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा लाएं ताकि हमारे वीडियोस आपको साथ ही साथ मिल जाए। और अगले वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे, तब तक ध्यान रखें। थैंक यू।